हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैसिटी बुक्स। यूथ कम्पटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के जीएस शॉर्ट पेपर्स रिव्यू करने वाले हैं। इसमें आपके 2011 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर्स रहेंगे। देखिए, जो पेपर डेट मैं बता दे रहा हूँ आपका, 2011 वाला 12 जून को हुआ था, 2012 वाला 20 मई को हुआ था, 2013 वाला 19 मई को, 2014 वाला 24 अगस्त को, 2015 का 23 अगस्त को है, 2016 का आपको 7 अगस्त का है, 2017 का आपका 18 जून को है, 2018 का 3 जून को, 2019 का आपको 2 जून को, 2020 का आपको 4 अक्टूबर में हुआ था। तो ये पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। आईएएस 2021 वर्जन आ चुका है, लेटेस्ट है, इसमें सभी पेपर्स आपके लास्ट मिलने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप आईएएस या पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप इंग्लिश वर्जन में हमारी जो बुक्स आती है वो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन वॉल्यूम में आती है। इसका हिंदी वर्जन भी लॉन्च किया है हमने, साथ ही साथ इसमें रिवीजन चार्ट भी आपको फ्री मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी बुक के साथ मिलने वाला है। सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूँ आपको, सेम वॉल्यूम में सेम सब्जेक्ट रहने वाले हैं। मतलब वॉल्यूम वन में आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, तो यहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी कंस्टिट्यूशन मिलने वाला है। सेकंड में आपको भारत एवं विश्व भूगोल है, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, इसके अलावा आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये आपके बायलैंग्वल है, ये आपका मिलने वाला है केवल इंग्लिश वर्जन में। और ये जो बुक आपको ये बनाई गई है, ये टोटल इंग्लिश वर्जन में रहने वाली है, पूरे इसमें शॉर्ट पेपर्स आपको इंग्लिश में मिलने वाले हैं। अगर इस बुक की बात करते हैं, जो प्राइस है 150 रुपीज है, और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो ये 176 पेजेस की ये बुक रहने वाली है। इस पे अभी आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टा, वो मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से इसे आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं, और हमारे एप्लीकेशन से व्हाट्सएप पर एड्रेस सेंड कर देते हैं तो हम आपके घर पर होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7518340504। इसमें आपको आईएएस इसका हम रिव्यू कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यूपीएससी के सीसैट का पेपर सेट आता है, सामान्य अध्ययन का, वो आप देख सकते हैं, यूपी पीसीएस का सीसैट का आता है। इसके अलावा हमारे पास छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बीपीएससी, इसका हम रिव्यू कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जेपीएससी, एमपीपीएससी, हरियाणा पीएससी, हिमाचल प्रदेश पीएससी, पंजाब पीएससी और आरओआरओ, इसका एग्जाम होने वाला है, नई वैकेंसी आई, तो इसका भी रिव्यू हम जल्दी करने वाले हैं नए बुक के साथ। तो इसमें आपको ये चीजें मिलने वाली हैं, पेपर्स मैंने बता दिए। अब हम आपको यहाँ पे डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं कौन कौन से यहाँ पेपर हैं। ये पेपर आपके 10 पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं। सिविल सर्विसेज आईएएस के यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है। पेपर फर्स्ट 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर है। पेपर सेकंड आपका 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। ये सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आपके टॉपिक दिए गए हैं, जैसे हिस्ट्री में आपकी एसेंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 8 क्वेश्चन 2013 में, सबसे ज्यादा 2020 में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके 2018-12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्ट एवं कल्चर से आपके 10 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जियोग्राफी की बात करते हैं, जियोग्राफी इंडियन है, वर्ल्ड है, पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पॉलिटिक्स से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लगभग 18, 20, 22, 23 मैक्सिमम गया है आपका 2017 में। इसके अलावा साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी क्वेश्चन पूछा गया है, करंट है, मिसलेनियस है, तो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पे दी गई है कि किस में कितना पूछा गया है, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ से आपका पेपर फर्स्ट स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है, जिसमें प्री हिस्ट्री पीरियड से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका रहने वाला है वैदिक सिविलाइजेशन से। थर्ड में आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, भगवता शैव एंड रिलीजन आपके रहने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वो आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साउथ इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके गुप्त एवं पोस्ट गुप्त पीरियड से पूछा गया है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इंडियन जियोग्राफी हो गई, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंडियन जियोग्राफी के बाद आपके इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्लियामेंट सिस्टम क्या होते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी से यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल है। हाइड्रोस्फीयर से क्वेश्चन है, एटमोस्फियर से क्वेश्चन है, पार्लियामेंट सिस्टम से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद मिसलेनियस जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, मिसलेनियस यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सीरीज, मिसलेनियस सीरीज रहने वाला है। फिर आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है, जो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नेशनल इनकम एंड बजट से क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड से है, तो सब में
सब्जेक्ट दिया गया है, उसके बाद टॉपिक चैप्टर वाइज दिए गए हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे मनी बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए मनी बैंकिंग, टैक्स सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन। साइंस से अगर आते हैं यहाँ पे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयर मार्केट, साइंस क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, केमिस्ट्री हो गई। इसके अलावा यहाँ पे जूलॉजी क्वेश्चन पूछा गया है, मेडिकल साइंस क्वेश्चन है, इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, यह यहाँ पे काफी अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करके आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है 85 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके 96 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये टोटल आपका मिसलेनियस के साथ साथ 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही सब टॉपिक वाइज आपको मैंने बता दी कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिटेल से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार सारे चैप्टर से आपको दे दिए गए हैं, जिससे आपका 2019 का स्टार्ट होता है। इसमें आपके एशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, सेकंड आपको बुद्धिम जैनिज्म से आपको दे दिया गया, फिर उसके बाद मिडवल हिस्ट्री से है तो दिल्ली सल्तनत से है, इसके अलावा आपका एशियंट से गुप्त पीरियड एवं पोस्ट गुप्त पीरियड से है, मौर्य पोस्ट मौर्य पीरियड से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही आपको हर एक पेपर में एक्सप्लेन करके आपको दे दिया गया है। 2020 का पेपर के बाद 2019 है, लास्ट में आपको 2011 के पेपर्स मिलेंगे, जो जैसा कि मैंने बताया ये 2011 के पेपर्स हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन जो पूछा गया है। और भी आपके सारे टॉपिक वाइज यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, इंग्लिश वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है आपकी 7 वॉल्यूम्स में, वो आप देख सकते हैं। अब कुछ उसके अलावा हमारे पास पीएससी के जो पेपर रहने वाले हैं वो भी आपको स्टेट वाइज यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट yctbooks.com विजिट कर सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे लेटेस्ट बुक की जानकारी आपको मिल जाएगी। इससे रिलेटेड हम एक दो बुक और भी लाने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बुक रिव्यू का सेक्शन कैसा लगता है कमेंट कर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइज़।